हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक लर्निंग के नए वीडियो इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट टू में। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पार्ट वन की तरह पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉर्डन ट्यूब्स, यानी कि बॉर्डन ट्यूब्स कितने तरह की होती हैं। तो दोस्तों, बॉर्डन ट्यूब्स तीन तरह की होती हैं, स्पाइरल बॉर्डन ट्यूब, सी टाइप बॉर्डन ट्यूब और हेलिकल टाइप बॉर्डन ट्यूब्स। यदि इन तीनों बॉर्डन ट्यूब्स के प्रेशर मेजरमेंट रेंज की बात करें तो स्पाइरल टाइप बॉर्डन ट्यूब की प्रेशर मेजरमेंट रेंज होती है 10 kPa से 100 kPa, जबकि सी टाइप बॉर्डन ट्यूब को 100 kPa से 5000 kPa तक के प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है और हेलिकल टाइप बॉर्डन ट्यूब को 5000 kPa से 20000 kPa प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के थर्मोकपल्स की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं टाइप जे थर्मोकपल की, जिसकी टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है 0 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि टाइप के थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइप टी थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज की बात करें तो ये होती है -50 डिग्री से 740 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइप ई थर्मोकपल, जिसकी टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है -250 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइप एन थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है -270 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब देखते हैं कुछ नोबल मेटल थर्मोकपल, जैसे कि टाइप बी, टाइप आर और टाइप एस थर्मोकपल। टाइप बी थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज की बात करें तो ये होती है 0 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि टाइप आर थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है 0 से 1482 डिग्री सेंटीग्रेड। और अंत में देखते हैं टाइप एस थर्मोकपल, जिसकी टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है 0 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल, यानी कि किसी थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों, थर्मोकपल का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है और ये सी बैक इफेक्ट पर काम करता है, जिसके अनुसार यदि दो अलग अलग मेटल से बनी वायर्स को उनके दोनों सिरों पर जोड़ दिया जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और दोनों सिरों को अगर अलग अलग टेम्परेचर पर रखा जाए तो इस क्लोज सर्किट में एक EMF जनरेट हो जाता है। सर्किट में जनरेटेड EMF की वैल्यू दोनों सिरों पर टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। इसी प्रिंसिपल पर थर्मोकपल काम करता है। दोस्तों, थर्मोकपल में यूज किए गए मेटल वायर्स के आधार पर थर्मोकपल कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टाइप जे, टाइप के, टाइप एन, टाइप बी, टाइप एस आदि। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीरो सप्रेशन एंड जीरो एलिवेशन इन लेवल मेजरमेंट, यानी कि लेवल मेजरमेंट करते हुए जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन मेथड क्या होते हैं। दोस्तों, जब हम किसी क्लोज टैंक में डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा टैंक के प्रोसेस मीडिया का लेवल मेजरमेंट करते हैं तो जीरो सप्रेशन या जीरो एलिवेशन मेथड की आवश्यकता हो सकती है। देखते हैं कैसे। पहले बात करते हैं जीरो सप्रेशन की। दोस्तों, यदि किसी कारण से डीपी ट्रांसमीटर की एचपी साइड को टैंक लेवल से नीचे कनेक्ट किया जाए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो टैंक में लेवल जीरो होने के बावजूद भी ट्रांसमीटर की एचपी साइड की इंपल्स ट्यूब प्रोसेस फ्लूड से हमेशा भरी रहेगी और ट्रांसमीटर का आउटपुट
टैंक में लेवल के जीरो होने के बावजूद भी 4 mA से अधिक मिलेगा। इस एरर को ख़त्म करने के लिए जीरो सप्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जीरो एलिवेशन के केस में यदि किसी कारण से डीपी ट्रांसमीटर की एचपी साइड को टैंक के जीरो लेवल से ऊपर कनेक्ट किया जाए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो ट्रांसमीटर टैंक में भरे फ्लूड के लेवल को कम दिखाएगा और इस एरर को ठीक करने के लिए जीरो एलिवेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। जबकि जीरो एलिवेशन के केस में यदि किसी कारण से डीपी ट्रांसमीटर की एचपी साइड को टैंक के जीरो लेवल से ऊपर कनेक्ट किया जाए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो ट्रांसमीटर टैंक में भरे फ्लूड के लेवल को कम दिखाएगा और इस एरर को ठीक करने के लिए जीरो एलिवेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आरटीडी, अर्थात आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों, आरटीडी का इस्तेमाल भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है और आरटीडी इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि यदि किसी रेजिस्टिव मेटल वायर का टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। मेटल वायर के रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज उसके टेम्परेचर में होने वाले चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों, आरटीडी भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और हमने डिफरेंट टाइप के आरटीडी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर्स, यानी कि फ्लो मीटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, फ्लो मीटर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर जिसे हम डीपी फ्लो मीटर भी कहते हैं, डिफरेंशियल एरिया टाइप फ्लो मीटर जिसे हम रोटामीटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, टर्बाइन फ्लो मीटर, वोर्टेक्स फ्लो मीटर, कोरियोलिस मास फ्लो मीटर और थर्मल मास फ्लो मीटर। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के फ्लो मीटर्स के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर काम करता है, जिसके अनुसार जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अक्रॉस एक ईएमएफ यानी कि वोल्टेज जनरेट हो जाता है और ये जनरेटेड ईएमएफ कंडक्टर की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में एक क्वायल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है और फ्लो मीटर से पास होने वाला कंडक्टिव फ्लूड कंडक्टर का काम करता है। जब फ्लो मीटर से पास होने वाला फ्लूड इस मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो फ्लूड के अक्रॉस एक वोल्टेज वी इंड्यूस्ड हो जाता है जिसे मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स की सहायता से नाप लिया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर केवल कंडक्टिव फ्लूड के लिए ही सुटेबल है। नॉन कंडक्टिव फ्लूड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डीपी फ्लो मीटर, अर्थात डीपी फ्लो मीटर क्या होता है। दोस्तों, डीपी फ्लो मीटर का पूरा नाम होता है डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर। इस फ्लो मीटर में किसी रिस्ट्रिक्शन या ऑरिफिस प्लेट के अक्रॉस होने वाले प्रेशर ड्रॉप के आधार पर फ्लो कैलकुलेट किया जाता है। ये बर्नौली प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है। पाइप में एक ऑरिफिस प्लेट लगाई जाती है जिसके कारण पाइप में ऑरिफिस प्लेट के अक्रॉस एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस को एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा नाप लिया जाता है और
बर्नौली इक्वेशन के आधार पर फ्लो कैलकुलेट कर लिया जाता है, जिसके अनुसार रिस्ट्रक्शन के अक्रॉस होने वाला प्रेशर ड्रॉप फ्लूड की वेलोसिटी के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। दोस्तों, पाइप में प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करने के लिए कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शन यूज़ की जाती हैं, जैसे ऑरिफिस प्लेट, फ्लो नोजल, वेंचुरी ट्यूब और पिटोट ट्यूब आदि। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केबल्स यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कितने प्रकार के केबल यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन में कई प्रकार के केबल यूज किए जाते हैं, जिनको उनकी एप्लीकेशन के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम तीन मुख्य केबल्स की बात करेंगे, जो हैं कंट्रोल केबल, सिग्नल केबल और कम्युनिकेशन केबल। दोस्तों, अगर कंट्रोल केबल की बात करें तो ये केबल जनरली स्विच, ऑन ऑफ वाल, सोलनॉइड वाल और दूसरे डिजिटल डिवाइस के कंट्रोल सिग्नल कैरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मली ये केबल्स शील्डेड नहीं होते हैं, ये केबल कोर केबल भी कहलाते हैं। अगर सिग्नल केबल की बात करें तो इन केबल्स का इस्तेमाल जनरली एनालॉग सिग्नल्स जैसे कि 4 to 20 mA, RTD, थर्मोकपल आदि के सिग्नल कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये केबल स्क्रीन और पेयर्ड केबल होते हैं। और कम्युनिकेशन केबल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कम्युनिकेशन केबल्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कम्युनिकेशन केबल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कम्युनिकेशन केबल्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.techlearningonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं।